सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा दबाव नहीं चलेगा। जो पेपर लीक हुआ 6 महीने बाद निरस्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बाहर आया था जी, जी। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है, विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे, और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चल रहे हैं अखबारों में, देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान हैं, पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्जाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है, जब इतना इंतजाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है, और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है, छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर लेट डाउन प्रोसीजर है, क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल है जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर, ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की? सरकार की नियत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें, नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है, 2500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो जमीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने, और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक, और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा, अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा, जहाँ लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को क्यों रखा इन्होंने, टेम्पररी नौकरी क्यों रखी इन्होंने। दिन दहाड़े राष्ट्रीय लोकदल के नेता राठी जी की हत्या हो गई, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए वो अलग बात है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए जो पेपर लीक हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है, सरकार इससे भाग नहीं सकती, सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षित पेपर कराने की और सुरक्षा का इंतजाम भी किया था, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। जिस तरह से कल आप आगरा में भी रहे राहुल गांधी के साथ में, किस तरह का जन समर्थन देखने को मिला है आगे? ये जन समर्थन बढ़ेगा क्योंकि किसान, नौजवान और व्यापारी और हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। 2017 में भी गठबंधन हुआ।